तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी के घर में खूब खुशियां आए। भाई साहब, द डायनासोर प्रभास इन अ डार्लिंग अवतार, भाई नई मूवी आने वाली है प्रभास की, जहां पर भाई मैं एक बार के लिए कहूं तो ये बंदा जब से बाहुबली मूवी लेके आया है पैन इंडिया में, उसके बाद से किसी और की किस्मत चमके ना चमके, लेकिन प्रभास की किस्मत सॉलिड चमकी। चाहे इसकी मूवी फ्लॉप जाए, चाहे इसकी मूवी एवरेज ग्रो करके जाए, एवरेजली ब्लॉकबस्टर जाए, लेकिन भाई इसके खाते में मूवी लाइन से लगी पड़ी है, और वो भी एक नहीं चार से पाँच, जिसमें से एक मूवी का अनाउंसमेंट अभी हो गया है, और कल की 2898 तो मई में आने ही वाली है। तो भाई इसकी वजह से इस मूवी को थोड़ा सा डिले कर दिया जा रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है टाइटल का और उसके फर्स्ट लुक का। अभी उसके बारे में पूरा बात करेंगे कि भाई साहब मूवी में हमें क्या क्या मिलने वाला है, कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसमें सिनेमाटोग्राफी कैसे होने वाली है, और भी कौन से बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े पड़े हैं, और ये किस तरह की मूवी होने वाली है, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन क्या करना है, उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भाई प्रभास हमें न्यू लुक में देखने को मिलने वाले हैं, और मैं कहूँगा ना थोड़ा सा बोरियत भी होने लग गई थी, क्योंकि वही बाहुबली वाला प्रभास हमें साहो में देखने को मिल रहा है, देन वही राधे श्याम में, देन वही आदि पुरुष में। भाई आदि पुरुष में तो इतना क्रिटिक्स झेला गया कि भाई प्रभास श्री राम के अवतार में तो हमें जमते नजर ही नहीं आए, वही बाहुबली वाला प्रभास जहाँ से एक्टिंग हो ही नहीं पाई, वो चार्म नहीं उभर के आया उस चेहरे पे जो श्री राम के चेहरे पे होना चाहिए। तो भाई अभी हमें न्यू अवतार में देखने को मिलेंगे, देन वही प्रभास हमें सलार में देखने को मिला, तो थोड़ा सा बोरियत एंड हैवी हो गया था वही कैरेक्टर बार बार, लेकिन अभी नए लुक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के कौन मारुति भाई, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि यार तुमने उसी प्रभास को देख के थोड़ा सा बोर हो गए, लेकिन अब हम आपको न्यू प्रभास देने वाले हैं, जो हॉरर कॉमेडी मूवी ड्रामा लेके आने वाला है, जो एक बार के लिए मैं कहूँ तो भूल भुलैया जैसा वाइब दे के जा रहा है, क्योंकि मूवी का टाइटल अनाउंस हो चुका है राजा साहब। भाई हॉरर कॉमेडी ड्रामा ये मूवी होने वाली है। जो लुक में, जो ये पोस्टर लुक आपको देखने को मिल रहा है प्रभास का, जो लगभग में लगभग पूरा देसी बना वाला देखने को मिल रहा है, जो लगभग बिल्कुल सिमिलर मैच खाते नजर आ रहे हैं भूल भुलैया के अक्षय कुमार जैसा, जो भाई साहब खुद में एक तंत्र ज्ञानी तो है ही है, और निडर भी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड वाला बंदा है, और वही चीज़ प्रभास में भी देखने को मिलते नजर आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा कहानी वहाँ से अलग देखने को मिल जाए। आइडिया तो लग रहा है कि भाई प्रभास का लुक और ये चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़ कि भाई प्रभास को इसमें एक्टिंग करनी पड़ेगी फाड़ के, क्योंकि कॉमेडी ड्रामा मूवी है और एक्टिंग के बिना तो भाई कॉमेडी हो ही नहीं सकती। तो हमें एक बार के लिए कहूँ तो प्रभास एक्टिंग करते नजर आएंगे भाई, जो सलार साहो आदि पुरुष में एक बार के लिए नहीं आ रहे थे, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था, हेटर्स का कहना था, मेरे वर्ड नहीं है। झूठ बोल रहा है भाई साहब। डायरेक्टर मारुति के साथ ही हॉरर ड्रामा मूवी बनाई जा रही है, जिनका बोलबाला कॉमेडी ड्रामा मूवी में ही है, कहाँ पर, साउथ इंडिया में। एंड सिनेमेटोग्राफी भाई जिनके द्वारा करी जा रही है, वो भी कोई हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं है। कार्तिक पलानी जिन्होंने वारिसु फिल्म, दिग्गज वारिसी फिल्म जैसी दे रखी है, थलापति विजय के साथ भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। एंड सिनेमेटोग्राफी थमन एस के द्वारा भी करी जा रही है, जो अला वैकंठा पुरुमालो में सिनेमाटोग्राफी दे चुके हैं भाई, वो भी दमदार मूवी थी, जो अल्लू अर्जुन के डायरेक्शन में बनाई गई थी, जिसका रीमेक कार्तिक आर्यन करते नजर आए थे अपने मूवी में अभी करके जो आई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एंड कंपोजर एंड वीएफएक्स जो इसके द्वारा इस मूवी में करे जाएंगे, वो हैं कमल कनन, जो मगदीरा और बाहुबली फिल्म में अपना वीएफएक्स कंपोज कर चुके हैं। तो भाई इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, तो एक्साइटमेंट तो जनरेट हो रहा है कि कुछ तो दमदार मिलने वाला है मूवी में, क्योंकि भाई बाहुबली भी हम देख चुके हैं, मगदीरा हम देख चुके हैं, उनका जो विजुअल इफेक्ट था फाड़ लेवल का विजुअल इफेक्ट है। बाकी भाई राजा साहब ये मूवी रिलीज करी जाएगी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी, पूरी पांच लैंग्वेज में। और भाई मारुति जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, वो प्रॉमिस करते नजर आ रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में कि हम एक ऐसा ग्रैंड हॉरर और एक्सपीरियंस देने वाले हैं पब्लिक को कि आपकी फट जाएगी, समझ रहे हो ना, फट जाएगी। तो पता नहीं किस लेवल की ग्रैंड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ये लोग, उसके लिए वेट है। तो टीजर कब आएगा, ट्रेलर कब आएगा, मूवी कब आएगी, अभी इसके लिए कोई रिलीज डेट नहीं दी गई है, तो वेट करते हैं, शायद कुछ टाइम बाद हमें टीजर भी देखने को मिल जाए। लेकिन भाई इस नए अवतार में, द डायनासोर प्रभास को इस डार्लिंग अवतार में देखने के लिए कौन कितने लोग एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट बॉक्स भर देना यार अगर आप एक्साइटेड हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।